प्रिय दोस्तों, प्रभु यीशु के नाम में नमस्कार। शास्त्री जॉनसन सी फिलिप के बाइबल प्रवचन माला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। शास्त्री जी बाइबल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवं सहज भाषा में प्रवचन के लिए जगत प्रसिद्ध हैं। उनका कोई भी प्रवचन आपसे छूट न जाए, उसके लिए इस पाठ्यमाला को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिखता है, पहले उसे क्लिक कर दें। उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है, उसे क्लिक कर दें। बस हो गया काम। अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी। हम में से सभी लोग इन दिनों एक ही समस्या से, मुख्यतया एक समस्या से होकर गुजर रहे हैं, वो है कोरोना। कोरोना के कारण केरल हो, मुंबई हो, हिंदुस्तान का कोई भी इलाका हो, सब जगह लोग परेशान हैं, सब जगह सुरक्षा की अपील की जा रही है, सब जगह लोग सुरक्षा की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना के कारण एक नई स्थिति जो पैदा हुई है वो हमारे आत्मिक जीवन को बहुत अच्छी तरह से दर्शाती है। नई स्थिति जो पैदा हुई है वो ये है कि छह महीने में नौकरी ना होने के कारण या पर्याप्त तनख्वाह ना होने के कारण बहुत सारे परिवार भूखे हैं। बहुत सारे लोगों की स्थिति यह है कि उन्होंने जो लोन लिया था वो किसी हालत में चुका नहीं पा रहे हैं। पता नहीं आप लोगों के यहाँ स्टार्ट हो गया है क्या, केरल में तो कई लोग जिन्होंने लोन ले रखा था, ऐसे कई लोगों ने लोन ना चुका पाने के कारण सुइसाइड करना शुरू कर दिया है। मैं एक शहर की बाउंड्री पर एक यूनिवर्सिटी टाउन में रहता हूँ, जहाँ केरल के बाहर से आए हुए काफी सारे माइग्रेंट लेबरर्स मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, खासकर उड़ीसा, बिहार वगैरह और इवन तमिलनाडु से आए हुए काफी लोग रहते हैं। और जब भी मैं घर से बाहर जाता हूँ तो ऐसे लोगों को बिना नौकरी, बिना खान पान, बिना पैसे काफी संघर्ष करते हुए देखता हूँ। तब अचानक एक बात याद आती है कि आत्मिक जीवन में भी हमारी स्थिति बिल्कुल ऐसी है, इससे भिन्न नहीं है। आप पूछेंगे कि इसका क्या मतलब, कि आप क्या कहना चाहते हैं। वो पहले एक उदाहरण के द्वारा मैं क्लियर करना चाहता हूं, क्योंकि आज हम जो विषय ले रहे हैं वो हम में से हर व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को प्रभावित करने वाला एक विषय है। और वो विषय इसके पहले भी अनाउंस किया जा चुका है, आपका वरदान, आपकी पूंजी। इस कोविड सीजन में जब कई सारे लोग बिना इनकम के संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे समय हमारे आसपास ऐसे भी बहुत सारे परिवार हैं जिनके सामने कोई संघर्ष नहीं है, कोई संकट नहीं है, इसलिए कि उन्होंने जब इनकम का समय था तब उन्होंने भविष्य में आने वाली मुसीबतों के बारे में सोचकर पर्याप्त सेविंग्स कर लिए थे। हम में से हर एक को लगता है कि हमारे आसपास ये आजकल जो संघर्ष हो रहा है इसके लिए प्योरली फाइनेंसेस दोषी है। इसके बारे में पिछले दिनों एक बहुत ही गंभीर रिसर्च हुआ था। रिसर्च में ये देखा गया था कि आज दुनिया में लोगों के पास पैसे का जो वितरण है, पूंजी का जो वितरण है, इसको बदला जा सकता है क्या। वितरण की स्थिति यह है कि आज दुनिया के 2% लोगों के पास दुनिया की लगभग 98% संपत्ति है, बाकी 98% लोगों के पास सिर्फ 2% पूंजी है, इसको बदला जा सकता है क्या। ये जो रिसर्च किया गया था इसका हमारे आत्मिक जीवन से भी बहुत गंभीर संबंध है। लोगों ने क्या किया, वैज्ञानिकों ने, कि लोगों का पैसा खर्च करने के लोगों की जो आदत है, पहले तो उसको स्टडी किया।
सारी दुनिया में 10,000 में लोगों से इंटरव्यू ले लेकर पैसे के मामले में उनका नजरिया क्या है, जब 10 पैसा हाथ में आ जाता है तब वो लोग क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, इसके बारे में बहुत डिटेल में लोगों से पूछने के बाद उन्होंने बाकायदे एक लिस्ट तैयार की जिसमें 10% लोग ऐसा करते हैं, 50% लोग ऐसा करते हैं, 5% ऐसा करते हैं। जब पता चल गया तो उसके बाद उन्होंने कंप्यूटर एनालिसिस किया कि यदि दुनिया में जो 6 अरब लोग हैं, यदि सबके पास जितना पैसा है सब यदि उनसे ले लिया जाए, धनी के पास जितना पैसा है वो उससे ले लिया जाए और जो भिखारी है उसके पास जितना पैसा है वो भी उससे ले लिया जाए, और उसके बाद हर व्यक्ति को यदि 100 करोड़ रुपया दे दिया जाता है, भिखारी से लेकर जो दुनिया में सबसे अमीर आदमी था उस तक को सारा पैसा उनसे छीन लेने के बाद 100 करोड़ रुपया हर व्यक्ति को दिया जाता है, क्या होगा? बहुत डिटेल में उन्होंने मैथमेटिकली स्टैटिस्टिकली इस विषय के ऊपर एनालिसिस किया और उसका रिजल्ट यह था कि यदि लोग आज जिस तरह से पैसा खर्च करते हैं, उनकी इन आदतों में बदलाव ना आए तो भले ही आप भिखारी से लेकर दुनिया के सबसे अमीर आदमी तक को 100 करोड़ रुपया दे दीजिए, ठीक 365 दिन के बाद ये जितनी पूंजी दुनिया भर में बांटी गई है उसमें से 98% वो 2% लोगों के पास चला जाएगा, बाकी 98% जो लोग हैं जिनको 100 करोड़ रुपए मिले थे, मिलने से पहले उनकी जो हालत थी वही हालत हो जाएगी ठीक 365 दिन के बाद। क्यों? हमारे जीवन में हमको जो पूंजी मिलती है धन के रूप में, वो पूंजी कहाँ जाती है, उसका क्या होता है, ये पूंजी पर नहीं डिपेंड करता है, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि पूंजी के उपयोग के मामले में हमारी आदत क्या है। आत्मिक जीवन में इसका बड़ा एप्लीकेशन है। आत्मिक जीवन में प्रभु ने हम में से हर व्यक्ति को पूंजी दी है। प्रभु का वचन साफ साफ बताता है कि जब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करता है तब उसको लगभग 40 अलग अलग बातें दी जाती हैं। इनमें से कुछ स्थाई पूंजी है जिसको आप कुछ नहीं कर सकते, जैसे उद्धार स्थाई रूप से आपको दिया गया है, आप ना तो उसमें कुछ जोड़ सकते हैं ना तो उसमें से कुछ घटा सकते हैं। लेकिन ये जो 40 चीजें दी जाती हैं इनमें से कुछ ऐसी भी पूंजी है जिसको लापरवाही के द्वारा आप घटा सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं। लेकिन लापरवाही के बदले पूंजी है इस बात को समझकर, और प्रभु ने कहा है कि इस पूंजी का सही रीति से उपयोग करना है, इसको समझकर, ये समझकर कि प्रभु ने कहा है कि इसका सही विनिमय करना है, यदि हम उसका विनिमय करते हैं तो 2 गुना 5 गुना 10 गुना या प्रभु ने जो अन्य उदाहरण दिए थे उसके अनुसार 30 गुना 60 गुना या 100 गुना फल लाया जा सकता है। लेकिन आत्मिक जगत में भी स्थिति कुछ सांसारिक जगत के समान है। दुनिया में हर एक को 100 करोड़ बांट दो, ठीक 1 साल के बाद आज जो सड़क पर कंगाल था 1 साल के बाद फिर से वो कंगाल हो जाएगा, आज जिसके हाथ में सबसे ज्यादा पैसे थे 1 साल के बाद वो सारा पैसा उसके पास लौट आएगा। आत्मिक जीवन बिल्कुल ऐसा ही है। हम में से हर एक को पूंजी प्रभु ने दी है, कम से कम 40 बातें दी हैं। हम में से कितने लोग हैं जो इस बात को जानते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो वचन सुन रहे हैं उनमें से हर भाई
हर बहन, हर जवान, युवा, युवती और प्रभु यीशु के द्वारा उद्धार पाए हुए जितने बच्चे यहाँ प्रभु का वचन सुन रहे हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि आपको प्रभु ने पूंजी दी है, आप पहचानते हैं क्या? एक नहीं, दो नहीं, 40 बातें दी है, उसमें से 40 मान लीजिए कि सारी 40 बातें नहीं जानते, कम से कम 10 बातें जानते हैं क्या? और यदि नहीं जानते तो ये किसकी गलती है, क्योंकि प्रभु का वचन हम में से हर व्यक्ति को अपनी भाषा में मिला है। आज प्रभु का वचन जो लोग सुन रहे हैं, इनमें से कई लोग मराठी भाषी हैं, मराठी में तो प्रभु का वचन बहुत सालों पहले आ गया था। कई लोग हिंदी भाषी हैं, हिंदी में तो प्रभु का वचन बहुत साल पहले आ गया था। कई लोग मलयालम भाषी हैं, नाम से ऐसा लगता है, मलयालम में तो बाइबल बहुत पहले आ गया था। तो जो प्रभु का वचन ग्रीक और हिब्रू से ट्रांसलेट होकर मेरी आपकी बोलचाल की भाषा में जब आ गया, और जब प्रभु का वचन हमारे आपकी बोलचाल की भाषा में स्पष्ट बताता है कि प्रभु ने हमारे जीवन में एक इन्वेस्टमेंट किया है, एक पूंजी दी है, तो फिर उस पूंजी का उपयोग न करने के लिए हम किस तरह का बहाना बना सकते हैं? कोई बहाना नहीं बना सकते हैं। मैं पृष्ठभूमि, अभी हम विषय की पृष्ठभूमि देख रहे हैं, पृष्ठभूमि के हेलो, पृष्ठभूमि के रूप में मैं आपको जरा याद दिला दूं, प्रभु यीशु जब संसार में थे तब उन्होंने इसकी पृष्ठभूमि कई बार बताई थी। आपको याद है वो उदाहरण जिसमें Nothing happened? आपको याद है प्रभु ने एक उदाहरण दिया था, एक्चुअली उस उदाहरण के कई फॉर्म्स दिए थे। एक में कहा था 10 दासों को बुलाकर हर एक को एक सिक्का दिया, और जब हर एक को एक सिक्का दिया, देने के साथ साथ प्रभु ने आज्ञा दी इसका विनिमय करो, व्यापार करो। वापस आने के बाद स्वामी ने उनसे हिसाब पूछा। एक ने कहा प्रभु मैंने 5 और कमाया है, एक ने कहा 10 और कमाया है, एक ने कहा क्या विनिमय, कैसा विनिमय प्रभु, आप जो दे गए थे उसको मैंने गड्ढे में गाड़ के रखा है, ये रहा आप, ये रही आपकी पूंजी। नंबर 1, प्रभु ने इमीडिएटली कहा कि वो पूंजी लेकर जिसने 10 और कमाया है उसको दे दो। उसके साथ साथ प्रभु ने तो पास खड़े हुए लोगों ने पूछा, प्रभु हे प्रभु उसके पास तो 10 पहले से है, 10 आपने एक दिया उसने 10 और कमाए हैं, आप उसको दे रहे हैं। प्रभु ने कहा जिसके पास है उससे जो है वो भी, जिसके पास नहीं है उसके पास जो है वो भी ले लिया जाएगा और उसको दे दिया जाएगा जिसके पास है। इसलिए आज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं प्रिय भाइयों और बहनों, पृष्ठभूमि के रूप में याद दिलाना चाहता हूं, हमारी आत्मिक पूंजी के बारे में ये चर्चा ये कोई ऑर्डिनरी विषय नहीं है। इसको बहुत गंभीरता से सुनना, सोचना, समझना और उसका उपयोग करना जरूरी है। हाँ, जिसने सिर्फ एक मिलने के बाद मालिक को वापस कर दिया था, प्रभु ने उसको क्या जवाब दिया, इसको भी मैं याद दिलाना चाहता हूं। हे दुष्ट दास, हे दुष्ट दास, यदि प्रभु ने हमारे जीवन में जिस पूंजी को इन्वेस्ट किया है उसका हम उपयोग नहीं करते हैं तो उस पूंजी को बर्बाद करने के समान है, और प्रभु उसके बारे में हमसे यही कहेंगे हे दुष्ट दास। इस बात, इन बातों को समझ के हम विषय में प्रवेश करते हैं। आज मेरा विषय है आत्मिक वरदान, स्पिरिचुअल गिफ्ट। आत्मिक वरदान क्या चीज है ये समझना हम में से हर एक के लिए जरूरी है, और जैसा मैंने कहा हम में से हर व्यक्ति की मातृभाषा में प्रभु का वचन उपलब्ध है। प्रभु का वचन जो उपलब्ध है उसमें पहले तो प्रभु ने स्वयं कहा, उसके बाद प्रभु ने जो पत्रियां हमको दी उन पत्रियों में हम देखते हैं
रोमियो की पत्री 12वें अध्याय में हम देखते हैं आत्मिक प्रदानों के बारे में कहा गया है, उसको हम देखेंगे आज के अध्ययन के लिए। रोमियो खोल कर रख लीजिए और उसमें एक्चुअली हम आज के अध्ययन के लिए 6वें पद से पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले पृष्ठभूमि मैं जरा बता दूं। मैं ये पद इसलिए अनाउंस कर रहा हूं कि हम मेरे लिए दो लोग उन पदों को पोस्ट करते जा रहे हैं मोबाइल पर, तो मोबाइल में किस जगह दिखेगा, कंप्यूटर पर जो लोग देख रहे हैं उनको राइट साइड में दिख जाएगा, दिख जाएंगे वो सारे पद, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। आज रोमियो 12:6 से अध्ययन शुरू करेंगे। रोमियो की 12वें अध्याय में हम आत्मिक वरदानों के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद पहला कुरिन्थियों 12, 13, 14 में आत्मिक वरदानों के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इफिसियों की पत्री 4वें अध्याय में आत्मिक वरदानों के बारे में पढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो पहला पत्रस 4वें अध्याय में आत्मिक वरदानों के बारे में पढ़ते हैं। इसलिए हम में से कोई व्यक्ति ये बहाना नहीं बना सकता है कि हाँ प्रभु ने दिया होगा ब्रदर, लेकिन मैं कभी उस विषय के बारे में जान नहीं पाया। सवाल यह है कि जिन बातों के बारे में हम जानना चाहते हैं उन बातों के बारे में जानकारी कहीं उपलब्ध नहीं हो तो भी हम जबरदस्ती जाके जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जिन बातों के बारे में हमें वाकई में मालूम होना चाहिए उन बातों के मामले में प्रभु का वचन हमारी मातृभाषा में, और वो भी अब तो एक से अधिक अनुवाद में उपलब्ध है, उपलब्ध होते हुए भी हम आंखें बंद किए हुए हैं प्रभु का वचन जिस बात को चार चार जगह चार चार अलग अलग पत्रियों में बोलता है, इसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं। आत्मिक वरदान के बारे में रोमियो की पत्री 12वें अध्याय के 6वें पद में हम पढ़ते हैं, रोमियो की पत्री 12:6, वहां हम पढ़ते हैं, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। देखिए साफ साफ यहां लिखा है, इसमें किसी व्याख्या की या व्याख्या करने वाले व्यक्ति की जरूरत नहीं है। प्रभु के वचन स्पष्ट कहता है उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है। कोई भी व्यक्ति जो बाइबल नियमित रूप से पढ़ता है वो इसको कैसे मिस कर सकता है, और यदि प्रभु का वचन ये जो कहता है इसको हम मिस कर गए तो सवाल यह है कि हम आंख खोल के बाइबल पढ़ते हैं या आंख नीच कर आंख बंद करके बाइबल पढ़ते हैं। प्रभु का वचन आत्मिक वरदानों के बारे में दो बातें यहां बताता है। नंबर एक, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, यहां यह नहीं कहा है कि उस अनुग्रह के अनुसार जो कुछ लोगों को दिया गया है। मसीही समाज में मसीही जगत में एक बहुत बड़ी गलत फहमी है कई लोगों को कि जो मंडली के अगुए हैं, जो लोग मंडली को लीड करते हैं या जो लोग मंडली में खड़े होकर संदेश देते हैं या जो प्रार्थना करते हैं या जो गीत गाते हैं, कई बार मसीही लोग ये समझते हैं, विश्वासी लोग ये समझते हैं कि सिर्फ इन लोगों को प्रभु ने वरदान दिया है। इसमें कोई शक नहीं है कि जो मंडली को लीड करता है, अगुवाई करता है, उसको अगुवाई का वरदान परमेश्वर ने दिया है, जो गाता है उसको गाने का वरदान दिया है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोग जो बैठकर इस सब का आत्मिक आनंद ले रहे हैं उसका मतलब ये नहीं है कि उनको कोई वरदान नहीं मिला है। प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु का वचन कहता है कि जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, उसका ये भी अनुवाद हो सकता है कि उस अनुग्रह के अनुसार जो हम सब को दिया गया है। आज जितने लोग प्रभु का वचन सुन रहे हैं उनमें से जितने लोगों ने प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में जाना है उनमें से हर व्यक्ति को याद दिलाना चाहता हूं, आपको जब उद्धार शाश्वत जीवन प्रभु ने प्रदान किया उसके साथ साथ जो 40 अलग अलग बातें गिफ्ट के रूप में दी गई
उनमें से एक बात है ये, हम में से हर एक को उस अनुग्रह के अनुसार जो दिया गया है, तो इसलिए कोई एक्सेप्शन नहीं है। आपने यदि प्रभु को ग्रहण किया है तो चाहे भाई हो या बहन हो, युवा हो, युवती हो, बच्चे हो, इवन बच्चे, उद्धार के समय प्रभु ने आपको वरदान दिया है, उस वरदान के मामले में लापरवाही ना करें। एक चीज और याद दिलाना चाहता हूं, शायद आप कहेंगे कि ब्रदर मेरा प्रोफेशन ऐसा है जिसमें किसी तरह के वरदान का कोई उपयोग नहीं है, यह गलत फहमी है। आप चाहे किसी भी पेशे में क्यों ना हो, आपका वरदान उस पेशे में और उसके साथ साथ मंडली में आपको बहुत अधिक मदद करेगा। आप सबको मालूम है मैं इस समय केरल में हूं, केरल की भाषा मलयालम है, यहां करोड़ों लोग मलयालम बोलते हैं। सवाल यह है कि मेरे जैसा हिंदी भाषी यहां क्या प्रचार कर सकता है। आज से कई साल पहले जब मैं केरल आया था तब लोगों ने पूछा भी था कि भैया तुम जो मलयालम की एबीसीडी नहीं जानते। हाँ, अब तो सीख गया हूं, मैं मिनिस्ट्री भी करता हूं मलयालम में, लेकिन उस समय लोगों ने पूछा कि तुम जो मलयालम की एबीसीडी नहीं जानते, तुम केरल में जाके क्या आत्मिक वरदान का उपयोग करोगे। ये हम सबकी गलती है, प्रभु सोचने का तरीका गलत है। प्रभु हमको जहां भेजते हैं, चाहे आपको बैंक की जोली के लिए भेजा, बैंक की नौकरी के लिए भेजा हो, डॉक्टर होने के लिए भेजा हो, लॉयर होने के लिए भेजा हो, या किसी ऑफिस में नौकरी मिली हो, बिजनेस करते हो, आपको जहां जिस जगह और जिस पेशे में प्रभु ने भेजा है उस जगह प्रभु आपके आत्मिक वरदान का उपयोग करना चाहते हैं। जैसा मैंने इसके पहले अपनी गवाही में बताया था, मेरा जीवन मध्य प्रदेश के चंबल के लिए अर्पित था, और इतना ही नहीं, बचपन से भाषा से प्रेम होने के कारण मेरा जीवन हिंदी के प्रचार प्रसार और हिंदी की सेवा के लिए अर्पित था। लेकिन 1983 में जब तीसरा स्ट्रोक हुआ, तो तीसरे स्ट्रोक के बाद डॉक्टर्स ने कहा कि देखो, यदि जिंदा रहना चाहते हो तो चंबल जैसी जगह जहां मौसम बहुत एक्सट्रीम है, वहां 50 से ऊपर गर्मियों में जाता है और -4 से ऊपर ठंडियों में जाता है, उन्होंने कहा कि ऐसी जगह जाओ जहां ना ज्यादा गर्मी पड़ती हो ना ज्यादा ठंड। इस तरह से फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो अपन केरल में कुची नाम की जगह पे जाते हैं, जो समुद्र के किनारे है, नमी ज्यादा है लेकिन ना तो ज्यादा गर्मी है, समुद्र किनारे इसलिए ना ज्यादा ठंड है, वहां रहेंगे। तब 50 लोगों ने मुझसे पूछा था कि तुम क्या करोगे, तुम तो वहां की भाषा नहीं जानते। लेकिन मुझे इस बात का यकीन था, मैंने अपने परिवार में सबसे कंसल्ट किया, चर्च में सबसे कंसल्ट किया, सबने कहा कि हम सबको इस बात का यकीन है कि चंबल की गर्मी छोड़कर तुम्हें वहां चले जाना चाहिए। प्रभु ने जबरदस्ती चंबल से धकेल कर मुझ जैसे व्यक्ति को ऐसे प्रदेश में भेजा जहां की भाषा ना तो मैं धारा प्रवाह बोल पाता था और जहां लोग मेरी भाषा ठीक से समझते नहीं थे। क्या हुआ, केरल आया, 4 स्वास्थ्य लाभ किया, शरीर में स्फूर्ति आई, और उसके साथ साथ केरल में एक नई चीज देखने को आई, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा से माइग्रेंट लेबरर्स का आना चालू हो गया। आज स्थिति यह है कि केरल जैसे छोटे प्रदेश में केरल के बाहर से 60 लोग हैं। कोविड के कारण उनमें से लगभग 1 लोग घर गए थे, बाकी 59 लोग यही हैं, और जो गए थे वो न केवल वापस आ रहे हैं, वो अपने कजिन्स नाते रिश्तेदारों को ला रहे हैं कि वहां अच्छी नौकरी मिल जाती है, अच्छे लोग हैं और इसलिए कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। मेरी भाषा समझने के लिए लोग हैं क्या? जी हाँ, 60 लोग हैं। मुझे मिनिस्ट्री के लिए ऑडियंस है क्या? जी हाँ, 60 हैं।
उनमें से यदि 10 उनमें से यदि मैं 60,000 लोगों को प्रभु का वचन सुना सकूं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। उसके बाद भी बचेंगे 59 लाख लोग। प्रभु हमको जहां ले जाते हैं हमारे आत्मिक वरदान का प्रयोग वहीं उस देश प्रदेश में, उस दफ्तर में या उस समाज में प्रभु हमारे आत्मिक वरदान का उपयोग करेंगे जहां प्रभु हमको भेजते हैं। इस कारण आगे बढ़ने से पहले यदि किसी के मन में ये एक्सक्यूज हो या बहाना हो कि ब्रदर मेरा तो पेशा ऐसा है जहां आत्मिक वरदान का कोई उपयोग नहीं है, तो आपकी गलती है। और इसलिए मैंने विस्तार से समझाया कि किस तरह से मुझे प्रभु ने एक ऐसी जगह भेजा जहां सब लोग मेरे लिए अजनबी थे और मैं सबके लिए अजनबी था, लेकिन प्रभु ने स्वास्थ्य देने के बाद मिनिस्ट्री के लिए इतना बड़ा एक फील्ड खोल दिया है कि मैं जीवन भर लगा रहूं तो भी उसमें से 1% लोगों को प्रभु यीशु का शुभ संदेश नहीं सुना पाऊंगा। आगे बढ़ने से पहले गवाही के रूप में मैं बता दूं कि हमारी असेंबली में बहुत बड़ी हिंदी फेलोशिप है। संडे इवनिंग मैंने नहीं आरंभ किया, हमारी मंडली में एक युवा भाई है जेफरी नाम के, प्रभु ने उस जवान को प्रेरणा दी, उसने जाके लोगों को बुला बुला के लाना शुरू किया और उस युवा के कारण मुझे कोविड स्टार्ट होने से पहले तक एक संडे औसत बड़े आराम से 40 से लेकर 60 तक लोग मिल जाते थे जिनको प्रभु का संदेश हिंदी में मैं सुना पाता था। प्रभु रास्ता खोलेंगे, आप पहले आत्मिक वरदान, आपका आत्मिक वरदान आपके जीवन में है इसको तो समझ लीजिए, उसके बाद आत्मिक वरदान क्या है इसको समझने की कोशिश कीजिए। बहाना मत बनाइए कि मुझे कोई आत्मिक वरदान नहीं मिला है। उस व्यक्ति के समान, उस दास के समान व्यवहार मत कीजिए जिसको एक दिया गया था, वो बोला कि प्रभु ये रहा आपने जो पूंजी दी थी वो, और गलती आपकी है प्रभु। हम जब अपने आत्मिक जीवन में लापरवाह हो जाते हैं तो उस लापरवाही का दोष भी स्वयं स्वीकार करने के बदले प्रभु को देते हैं। याद रखें, आत्मिक जीवन में लापरवाही ना करें। प्रभु को दोष देके कोई व्यक्ति बच नहीं सकता है। उस दास से प्रभु ने पलट कर, अच्छा ऐसा है क्या? जी नहीं, ऐसा नहीं पूछा। प्रभु ने कहा, दुष्ट दास, तेरे ही वचनों से मैं तुझे दोषी ठहराता हूं। हम यदि आत्मिक जीवन में लापरवाह हो जाएंगे तो कई बार अपनी लापरवाही को प्रभु के सामने मानकर, प्रभु से क्षमा मांगकर, प्रभु मुझे एक और अवसर दे दीजिए, गलती हो गई, इस दास के जीवन में गलती हो गई, ऐसा प्रभु के सामने नम्रता और दीनता से बोलने के बदले हम कई बार प्रभु को ही दोष देने लगते हैं। प्रभु करे कि हमारे जीवन में ऐसा ना हो। तो हम जो वक्त पढ़ रहे थे वो इस तरह से है, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें, मतलब हम सबको दिया गया है, भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। ये भी मैं याद दिलाना चाहता हूं, आजकल ऐसे कई सारे लोग हैं जो एक या दो वरदानों के बारे में बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के बोलते हैं। यदि आप लोगों को क्रिश्चियन टेलीविजन देखने की आदत हो और यदि आप जो भी चैनल सामने आ जाता है उसको देखने लगते हैं, तो याद दिलाना चाहता हूं कि ज्यादातर चैनल आजकल एक या दो आत्मिक वरदानों को बड़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। ये गलत बात है, ये परमेश्वर का वचन नहीं है, ये मनुष्य का घमंड है, मनुष्य की स्वयं स्तुति है। प्रभु का वचन याद दिलाता है कि हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, और इसका मतलब है कि आत्मिक वरदान एक या दो वरदानों तक सीमित नहीं है। इसका यह भी मतलब है कि इनमें कोई वरदान नहीं है जिसके बारे में हम ये कह सके कि मेरा वरदान तेरे वरदान से बेहतर है। हर व्यक्ति का वरदान
उस व्यक्ति के लिए सर्वोत्तम है, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। आगे हम देखते हैं, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला है वो विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। हिंदी में परिमाण शब्द जिस जमाने में ट्रांसलेट किया गया था तब तो लोग समझते थे, आजकल इसका उपयोग ना के बराबर है, इसलिए आज की हिंदी में उसका अनुवाद होगा, जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वो विश्वास की मात्रा के अनुसार भविष्यवाणी करे। जब रोमियो की पत्री लिखी गई थी तब एक बहुत ही महत्वपूर्ण आत्मिक वरदान था भविष्यवाणी। मैंने ये नहीं कहा एक बहुत ही बड़ा वरदान, मैंने कहा एक बहुत महत्वपूर्ण वरदान, क्योंकि रोमियो की पत्री आदि जब लिखी गई थी चर्च एज के बिगिनिंग में, तब नए नियम की पुस्तकों की रचना का सिर्फ आरंभ हुआ था। आज जिस क्रम में है नए नियम की पुस्तकें, लगभग उस क्रम में उनकी रचना हुई थी। सबसे पहले मत्ती रचित सुसमाचार की रचना हुई थी, उसके बाद मरकुस, उसके बाद लूका, यूहन्ना, प्रेरितों के काम, उसके बाद आया रोमियो। तो रोमियो की पत्री की जब रचना हुई तब अन्य पत्रियों की, मतलब कुरिन्थियों, गलातियों, इफिसियों, फिलिपियों आदि की रचना नहीं हुई थी। इस कारण चर्च एज के जो डॉक्ट्रिन्स हैं, जो उपदेश है, वो लोगों को बताने के लिए, लोगों को सिखाने के लिए भविष्यवाणी के गिफ्ट की जरूरत थी। पुराने नियम में हम देखते हैं परमेश्वर ने भविष्यवक्ता भेजे थे, भविष्यवक्ता प्रभु का वचन लोगों को सुनाते थे। उसी तरह से जब नए नियम का युग आरंभ हुआ, प्रभु का वचन पूर्ण रीति से जब लिखा नहीं गया था, तब प्रभु का वचन पूर्ण रीति से लोगों को समझाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वरदान था भविष्यवाणी का। इसलिए पवित्र आत्मा ने इस लिस्ट में सबसे पहले भविष्यवाणी का वरदान बताया है, और ये बताया है कि जिसको भविष्यवाणी के द्वारा प्रभु का वचन सिखाने का वरदान मिला है वो अपने विश्वास की मात्रा के अनुसार भविष्यवाणी करे। भविष्यवाणी का गिफ्ट समाप्त हो चुका है, हीलिंग का गिफ्ट समाप्त हो चुका है, अन्य भाषा का गिफ्ट समाप्त हो चुका है, अद्भुत कार्यों का गिफ्ट समाप्त हो चुका है। नए नियम में इसके बारे में पर्याप्त स्टेटमेंट्स हैं, नए नियम में इसके बारे में पर्याप्त इतिहास है जो इन बातों को दिखाता है कि ये जो तात्कालिक गिफ्ट उस समय की जरूरत के अनुसार दिए गए थे, ये तात्कालिक गिफ्ट जब उनका काम हो गया और जब प्रभु का वचन पूर्ण रूप से लिख दिया गया, उसके बाद प्रभु ने हटा दिया। लेकिन जब रोमियो लिखा गया था तब नहीं हटाया गया था, इसलिए यहां लिखा है कि भैया तुमको टीचिंग का गिफ्ट मिला है, तुम उसका उपयोग अपने विश्वास की मात्रा के अनुसार करो। मेरे आपके लिए उसका एप्लीकेशन ये है कि आज जितने लोग प्रभु का वचन सुन रहे हैं, हम में से जिस जिसको प्रभु के वचन को अन्य लोगों को सिखाने का वरदान मिला है, उनमें से हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो दूसरों को प्रभु का वचन पूर्ण विश्वास योग्यता के साथ सिखाए। आप कहेंगे ब्रदर बच गए, इसलिए कि मैं तो ना तो चर्च में एल्डर हूं और ना ही चर्च में किसी तरह का लीडर हूं, और इसलिए टीचिंग का ना तो वरदान और ना ही टीचिंग का कॉल अपने को दिया गया है। यह आपकी गलतफहमी है। आप एल्डर ना हो, आप यदि मंडली में संदेश ना देते हो, लेकिन यदि संडे स्कूल में पढ़ाते हो तो ये टीचिंग नहीं तो क्या है? संडे स्कूल टीचिंग यदि वो टीचिंग नहीं है और प्रभु के वचन की टीचिंग नहीं तो ये क्या है? तो इसलिए जो संडे स्कूल में जो लोग क्लास लेते हैं वो लोग भी नहीं बहाना बना सकते। इमीडिएटली हो सकता है कुछ बहनें कहें कि ब्रदर अपन तो बच गए, मैं ना तो संडे स्कूल में पढ़ाती हूं और ना ही बहनों के बीच में मैं किसी तरह की सेवा शुश्रूषा करती हूं। ठीक है, एक बात तो बताइए, आपके बच्चे यदि हों
उनको प्रभु का वचन कौन सुनाता है? आप कहेंगे वो तो हस्बैंड की जिम्मेदारी। जी नहीं, बच्चों को प्रभु का वचन सुनाने सिखाने की जिम्मेदारी ना केवल पिता की है बल्कि माँ की भी है। प्रभु का वचन इस बात को पुराने नियम के समय से स्पष्ट करता आया है। नीति वचन में बुद्धि जो अपने बेटे को उपदेश देती है वो माँ के स्वरूप में बेटे को उपदेश देती है। इसको आपने कभी ध्यान दिया है क्या? क्यों? इसलिए कि प्रभु का वचन ये बार बार याद दिलाता है कि बच्चों को प्रभु का वचन सिखाने में माँ का रोल बहुत अधिक है। और इस कारण यदि यहाँ ऐसी कोई बहन है जो ये कहे कि ब्रदर, संडे स्कूल में टीचिंग की जिम्मेदारी मुझे नहीं मिली है, बहनों के बीच में भी कोई टीचिंग की मिनिस्ट्री नहीं है और इसलिए टीचिंग की जिम्मेदारी तो अपनी नहीं है, अपन तो बच गए। याद रखिए, प्रभु के सामने कोई नहीं बच सकता। प्रभु ने सबको गिफ्ट बांटे हैं और बांटने के बाद उसका सही उपयोग हम में से हर एक की जिम्मेदारी है। बचने की कोशिश ना करें। एक ने बचने की कोशिश की, स्वामी को दोष दिया, हम देखते हैं कि स्वामी ने उसको खाली हाथ जाने नहीं दिया। रोमियो की पहला कुरिंथियों 3 अध्याय इस बात को याद दिलाता है कि हम सबका न्याय अग्नि के द्वारा होगा। ब्रदरन मंडलियों में विश्वासियों का न्याय एक ऐसा विषय है जिसको हमने छुपा कर रखा है, ढांक कर रखा है। बस उद्धार हो गया, उद्धार की गारंटी है, अब कोई न्याय नहीं होगा। प्रभु का वचन ऐसा नहीं कहता है। प्रभु का वचन कहता है उद्धार मिला, उद्धार नष्ट नहीं होगा लेकिन न्याय होगा। इस संसार में भी न्याय होगा, आने वाले जगत में भी न्याय होगा। संसार में जो न्याय है उसके बारे में प्रभु का वचन इब्रानियों की पत्री में कहता है कि पुत्र के समान पिता हमारी ताड़ना करता है। पुत्र के समान ताड़ना करता है का मतलब है बाप बेटे को जिस तरह से छड़ी से सजा देता है। पहले कुरिंथियों में हम पढ़ते हैं 3 अध्याय के 13वें पद में, हरेक का काम प्रकट हो जाएगा क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा। आग हरेक का काम परखेगी कि कैसा है। यही बात इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय में हम देखते हैं। पहला कुरिंथियों 3 अध्याय कहता है कि हमने जो किया है उसमें से काफी कुछ उस अग्नि में जल जाएगा, भस्म हो जाएगा। इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय भी एग्जैक्टली यही बात कहता है कि अग्नि हमारे कामों को जांचेगी और हमारे काम अग्नि के द्वारा प्रकट होंगे और ऐसे बहुत सारे कर्म हैं जो भस्म हो जाएंगे। ये कौन से कर्म है? ऐसे बहुत सारे कर्म है जो भस्म हो जाएंगे लेकिन उसमें से एक आत्मिक जीवन में लापरवाही से हम हमारी जिम्मेदारी से हटकर हमको जो करना चाहिए था उसके बदले हम जो अनावश्यक कार्य करेंगे वे सब भस्म हो जाएंगे। इसलिए अगली बात जो मैं याद दिलाना चाहता हूं, लापरवाही ना करें। ऐसा ना कहें कि मुझे तो कोई पूंजी नहीं मिली है, भविष्यवाणी के बारे में कहा है, तो ऐसा कोई ना कहे कि टीचिंग के लिए मुझे ना तो किसी तरह की बुलाहट है, ना किसी तरह का वरदान है, ना किसी तरह की जिम्मेदारी है। हम में से जो भी व्यक्ति 2 शब्द दूसरे से बोलता है वो जब आत्मिक बातों के बारे में शेयर करता है तो वो टीचिंग नहीं तो क्या है? अलग अलग रूप है उसके। इवन काउंसलिंग जब हम करते हैं, जब एडवाइस देते हैं, वो भी टीचिंग है। टीचिंग के रूप अनेक हैं। तो इसलिए जब प्रभु का वचन कहता है कि हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला है वो विश्वास के परिमाण, विश्वास की मात्रा के अनुसार भविष्यवाणी करे। आगे हम पढ़ते हैं रोमियो की पत्री 6 अध्याय के 7वें पद में बहुत सारे आत्मिक वरदानों के बारे में यहां बताया गया है। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। मसीही मंडलियों में ऐसे बहुत सारे भाई बहन लोग हैं जिनको सेवा का वरदान मिला है। मैं हमेशा सोचता हूं, मेरी मंडली में एक भाई थे, मेरा अनुमान है कि लगभग 90 साल की उम्र में, अभी कुछ साल पहले गुजरे हैं। सुबह आप
चर्च से कितने पहले भी चर्च पहुंच लें, समय से कितने पहले भी पहुंच लें, वो भाई वहां पहले से उससे पहले पहुंचे होंगे। काफी उम्र तक, जब तक वो चल सकते थे तब तक उनकी आदत थी, सबसे पहले आते थे, हॉल खोलते थे, शुरू से आखिर तक झाड़ू लगाते थे, साफ सफाई करते थे, किचन में स्टोव पर पानी चढ़ा देते थे। हाँ, हम केरल वालों की बड़ी विचित्र आदत है, पानी गर्म करके पीते हैं, उसके लिए वो पानी उबाल कर रख देते थे। चर्च में उनसे जो कुछ हो सकता था, कुर्सियां डाल देते थे, सामने की तरफ चादरें डाल देते थे जिससे बच्चे बैठ सके। ये सेवा का वरदान नहीं तो और क्या है? यदि आपको लगे कि अरे ये तो बहुत ही छोटा वरदान है, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि प्रभु के भवन में ना तो कोई व्यक्ति छोटा बड़ा है, ना ही कोई वरदान छोटा बड़ा है। हम सब मसीह में एक हैं और हम सब का वरदान उस मंडली के लिए जरूरी है। एक टीम में टीम के हर अंग का महत्व है। यदि ये भाई ना आते, सुबह यदि झाड़ू ना लगाते, साफ सफाई ना करते, कुर्सियां ना जमाते, तो जब ठीक समय से 2 मिनट पहले सब लोग हॉल में प्रवेश करते तो धूल, घास फूस, कुर्सियां सब एक कोने में, क्या होता? कैसे वर्शिप करते? वहां तो अराजकत्व हो जाता। लेकिन प्रभु ने जो वरदान दिया उसका उस भाई ने उपयोग किया। इस कारण यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे, कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। पहला कुरिन्थियों, हाँ, सेवा करने में लगा रहे, यदि कोई सिखाने वाला सिखाने में लगा रहे। उसके बारे में डिटेल्स इसके पहले मैं बता चुका हूं। जो उपदेशक हो वो उपदेश देने में लगा रहे। उपदेशक और सिखाने वाले में क्या फर्क है? उपदेशक बेसिकली मेरे जैसे व्यक्तियों के बारे में है जिनको प्रभु ने प्रभु का वचन बहुत ही सीरियसली पढ़ने, लिखने, सिखाने के लिए बुलाया और उसका वरदान दिया है। सिखाने वाला कौन है? इसके पहले जिसका नाम के बारे में, सिखाने वाला हर वो व्यक्ति है जो मुंह खोल कर प्रभु के बारे में 2 वचन बोलता है। और हमने प्रभु के वचन, मैंने आपको याद दिलाया कि हम में से हर व्यक्ति सिखाने वाला है, ठीक है? जो उपदेशक है वो उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे। हम में से हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि प्रभु ने हमको जो दिया है उसमें से एक हिस्सा निश्चित रूप से और नियमित रूप से प्रभु को दें। दूसरा कुरिन्थियों में 9वें अध्याय में ये बात बहुत विस्तार से बताई गई है कि हम, प्रभु ने हमारे जीवन में जो अनुग्रह दिया है, जो आर्थिक अनुग्रह दिया है, जो फाइनेंसेस दिए हैं, उसमें से एक पोर्शन नियमित रूप से और डेफिनेटली निश्चित रूप से प्रभु को जरूर दें। आप एकदम से हो सकता है पूछें कि कितना पोर्शन दें ब्रदर? देखिए, नया नियम इसके बारे में कोई संख्या नहीं बताता, लेकिन पुराने नियम से हम गाइडेंस ले सकते हैं। पुराने नियम में इनकम का 10वां हिस्सा प्रभु को देना पड़ता था, जिसका मतलब है कि प्रभु की नजर में एक औसत व्यक्ति को जो भी इनकम होती है उसमें से 10% वो शेयर कर सकता है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने 10% से चालू किया, उसके बाद उसको 20% किया। दूसरा कुरिन्थियों 9:7 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुत आयत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास थोड़ा बहुत हो। जी नहीं, प्रभु का वचन कहता बहुत बहुत कुछ हो। मैं इसलिए ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो अपनी इनकम का 10% से जिन्होंने चालू किया, बाद में उसे बढ़ाकर 20% कर दिया।
आप कहेंगे कि अच्छा बड़े अमीर लोग होंगे। जी नहीं, मैं ऐसे कई ब्रदरन प्रभु के दासों को जानता हूं जो विश्वास से जीते हैं। विश्वास से जीने का मतलब जानते हैं, प्रभु जब देंगे तब खर्चा चलेगा। ऐसे कई प्रभु के दासों को जानता हूं जिन्होंने 10% से स्टार्ट किया, बाद में 20% देने लगे। मैं ऐसे भी कई लोगों के बारे में जानता हूं जो उससे भी ज्यादा देते हैं। आपने शायद कॉलगेट की कहानी सुनी होगी। कॉलगेट टूथपेस्ट का आविष्कार जिसने किया था, उसको प्रभु जितना देते गए उसके अनुपात में वो और ज्यादा देता गया। एक्चुअली एक युवा विश्वासी था, जब वो नौकरी के लिए गांव से शहर गया तो जिस जहाज में गया उसके कैप्टन ने उससे कहा, बेटा इतना याद रखना, प्रभु तुझे जो कुछ दे उसमें से एक पोर्शन प्रभु को जरूर दे देना। 10% से चालू किया। और कहानी यह है कि उसके जीवन के अंतिम समयों में प्रभु उसको जो इनकम देते थे उस इनकम का 90% वो प्रभु को वापस लौटा देते थे। न केवल करोड़पति था, वो अरबपति था। प्रभु ने उसको अनुग्रह दिया, अनुग्रह के प्रोपोर्शन में उसने प्रभु को दिया। इस कारण यदि आप मुझसे पूछें कि ब्रदर कितना देना है, तो मेरा उत्तर यह है, नया नियम कोई संख्या नहीं बताता है, लेकिन पुराने नियम के आधार पर हम कह सकते हैं कि हर व्यक्ति अपने इनकम में से कम 10% तो प्रभु के लिए अलग कर ही सकता है और करना चाहिए। और जब आप इस तरह से अलग करेंगे तब आपको पता चलेगा कि हर कार्य के लिए आपके पास बहुतायत है, क्योंकि दूसरा कुरिन्थियों 9:7 बताता है कि परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, देंगे, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे। मतलब जब हम किसी प्रभु के लिए देना शुरू करते हैं तब प्रभु भी हमारी मदद करते हैं, जिससे हर बात में हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो वो तुम्हारे पास रहे। तो यहां हम देखते हैं कि दान देने वाला उदारता से दे, जो अगुवाई करे वो उत्साह से करे, जो दया करे वो हर्ष से करे। ये इसलिए कहा गया है कि जनरली ये देखा गया है कि जब दूसरों पर दया करते हैं तो उनमें से 90% लोग हमारा आभार नहीं मानते, बल्कि उल्टे हमारे अगेंस्ट ही कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। प्रभु यीशु जब संसार में थे तब उन्होंने 10 कोढ़ियों को जब चंगा किया उसमें से सिर्फ एक आभार मानने के लिए प्रभु के पास आया। जो समाज से तिरस्कृत और बहिष्कृत लोग थे, जब उनको समाज में वापस जाकर जीने का हक मिल गया, सामान्य जीवन मिल गया, 9 लोगों ने प्रभु को उसके लिए धन्यवाद नहीं दिया। तो इसलिए यदि आप दूसरों के लिए भलाई करने की कोशिश करते हैं तो उनमें से 9 लोग कभी आपका आभार नहीं मानेंगे, बल्कि उनके कहने का तरीका ये होगा, तो कौन बड़ी बात होगी। ऐसा ही है, इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है कि जो दया करे वो उदारता से करे। ऐसा नहीं लिखा है जो दया करे वो खुशी के साथ करे, क्योंकि दया करने पर कई बार लोग आभार नहीं मानते हैं और दया करने वाले को मन में बड़ी कड़वाहट होती है कि क्या बात है, मैं लोगों की मदद कर रहा हूं आभार भी नहीं मानते। ऐसा ही है, दुनिया ऐसी है। लेकिन हम अपने आत्मिक वरदानों का उपयोग दुनिया को देखकर ना करें, प्रभु को देखकर करें। प्रभु ने तो ऐसे ही किया था, 10 को चंगाई दी। प्रभु को तो सर्वज्ञानी है, प्रभु जानते थे कि उनमें से 2-9 आभार नहीं मानेंगे, लेकिन जिसने आभार माना उसको तो चंगाई दी, जिन्होंने आभार नहीं माना उनको भी उतनी ही चंगाई दी। उनको कोई 10% कम चंगाई नहीं दी, 100% दी। ये हमारा नमूना है। तो जो दया करे वो खुशी के साथ करे। जब हम इस तरह से अपने आत्मिक वरदानों का उपयोग करते हैं तब धीरे 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 हमारी पूंजी बढ़ती है। यही तो प्रभु ने कहा था, कोई 30 गुना फल लाता है, कोई 60 गुना फल लाता है, कोई 100 गुना फल लाता है। हम स्वयं जानते हैं
मसीही जगत में प्रभु कुछ लोगों को उपयोग बहुत अधिक करते हैं। कई बार मैं दूसरों लोगों को कहते सुनता हूं, पता नहीं फलाने व्यक्ति को प्रभु क्यों इतना अवसर दे रहे हैं। प्रभु का वचन साफ साफ कहता है, जिसके पास है उसको और दिया जाएगा। तो यदि आपको एक दिया गया और उससे यदि आपने 10 और कमाए तो आपको और दिया जाएगा, और इस कारण आपके जीवन में अनुग्रह है। और उस अनुग्रह पाए हुए व्यक्ति को जो लोग देखते हैं, और जब ये पूछते हैं कि भैया फलाना ना तो ढंग से बोल पाता था, ना तो दो सेंटेंस सही बोल पाता था, प्रभु का वचन टीचिंग में तो वो बहुत ज्यादा उपयोगी हो रहा है। क्यों? इसलिए कि भाषा के ना होते हुए, अच्छी बोली के ना होते हुए, मेरे आपके समान स्मार्ट ना होते हुए, इन सब के बावजूद उसको जो गिफ्ट दिया गया उस गिफ्ट का उसने उपयोग किया, और उस कारण लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं। इसका एक सर्वोत्तम उदाहरण मैंने जनवरी में देखा, दिसंबर में। मेरे एक अंकल की मृत्यु हो गई, कोविड से पहले की बात है। भारी भीड़ जुटी, बहुत सारे लोग अंकल के बारे में गवाही देना चाहते थे। मास्टर ऑफ सेरेमनीज मैं था, और घर वालों ने बोल दिया था कि घर वालों के लिए कम से कम 50 नाम दे दिए जाएंगे आपको, और आपको एडजस्ट करना ही पड़ेगा, 3 घंटे में खत्म भी करना होगा बाकी सारी मिनिस्ट्रीज के साथ। एक नाम मेरे पास आया, ऐसे जब प्रोग्राम चल रहा था तो एक नाम मेरे पास आया, नाम देखा, मेरे बगल में मेरा कजिन बैठा था, वो बोला, बड़े भैया ये आदमी मुंह खोलता है तो 2-2 घंटे बोलता है प्रभु के वचन से, और भीड़ ऐसी जुटती है कि कई बार 3 घंटे वो बोलता है उसके बाद रोकता है। अब आप इस आदमी को चांस देंगे, आज पता नहीं क्या होगा। मैंने चांस दिया, साफ बोल दिया था कि ब्रदर सिर्फ 2 मिनट है बोलने के लिए, आप पहुंचे हुए वक्ता हैं, मैं जानता हूं, लेकिन आज मुझे क्षमा करें। उस व्यक्ति ने जो 2-2 घंटे लेक्चर देता है प्रभु के वचन से और भीड़ टूटती है, उन्होंने बाकायदा 2 मिनट में संदेश खत्म किया। सुनने के बाद मुझे लगा कि ना तो भाषा सही उपयोग ढंग से बोल रहे हैं, ना ही 4 वाक्य सही रीति से बोल पा रहे हैं। मैंने अपने कजिन से पूछा भी कि तुम मजाक कर रहे हो क्या, कि लोग कि ये भाई साहब 2-2 घंटे प्रभु के वचन से प्रवचन देते हैं और जनता हजारों में टूटती है। तो मेरे छोटे ब्रदर ने, कजिन ब्रदर ने कहा, बड़े भैया मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं इनके संदेश सुन चुका हूं, ना तो ढंग से भाषा बोल पाते हैं, ना इनकी भाषा में किसी तरह का ग्रामर है, लेकिन एक बार जब ये बोलना आरंभ करते हैं तो प्रभु के वचन की जो सच्चाइयां हैं उसको इतने आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करते हैं कि छोड़कर जाने की इच्छा नहीं होती है। जब हम अपने आत्मिक वरदान का उपयोग करते हैं तब कभी ये ना सोचें कि मुझे प्रभु ने कोई ज्यादा योग्यता नहीं दी, ऐसा नहीं है। जब हम अपने आत्मिक वरदान का सही उपयोग करेंगे तब हमारी सारी कमियां घटियां अलग हट जाएंगी, मतलब घटियां दूर होंगी, ऐसा मैं नहीं कह रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि कल तक आप किसी भाषा का ठीक उपयोग नहीं कर सकते थे और आज आप धारा प्रवाह बोलने लगे, जी नहीं। मेरे कहने का मतलब यह है कि इन कमियों घटियों के बावजूद प्रभु आपके मुंह के द्वारा
इस तरह से बोलेंगे कि लोग प्रभु का वचन सुनने के लिए जुट जाएंगे। ऐसा ही हर आत्मिक वरदान के साथ है। हम में से हर व्यक्ति जब अपने आत्मिक वरदान का उपयोग करेगा, तब जीवन के जिस पहलू में हम उस आत्मिक वरदान का उपयोग कर रहे हैं वो बढ़ता चला जाएगा। इसके बारे में 10वें पद से 9वें पद से हम देखते हैं। 9वें पद से ऐसे व्यक्ति की चर्चा की गई है जो अपने आत्मिक वरदानों का सही उपयोग करना चाहता है और जो करने लगा है। वहां लिखा है प्रेम निष्कपट हो। देखिए, आत्मिक वरदान जब हम उपयोग में लाते हैं तब जिस व्यक्ति के लिए हम उसको उपयोग करते हैं उससे मन में एक प्रेम होना जरूरी है। कोई व्यक्ति हमसे मान लीजिए आकर भैया उद्धार कैसे पाएं ये पूछते हैं, तो उस व्यक्ति से हमारे मन में उसके उद्धार के लिए एक इच्छा जागृत हो तभी तो उससे हम गॉस्पल शेयर करेंगे। एक व्यक्ति के उद्धार के लिए जब हमारे मन में इच्छा जागृत हो जाती है तो इसका मतलब है कि हमें उस व्यक्ति के से स्नेह हो गया है। मेरे बेटे या बेटी से या मेरे कजिन से या मेरे दोस्त से या मेरी पत्नी से जो स्नेह है वैसा स्नेह नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति से एक विशेष प्रकार के एक अलग प्रकार का स्नेह है। मैं चाहता हूं कि वो नरक ना जाए, वो उद्धार पा ले और उसके लिए मैं उसके साथ गॉस्पल शेयर करता हूं। यही तो प्रभु का वचन कहता है, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे पर दया रखो। भाईचारा सिर्फ विश्वासियों से नहीं होता है, संसार से भी होता है। अलग प्रकार का है लेकिन संसार से भी होता है, विश्वासियों से तो और ज्यादा होता है। और इसलिए जब हम अपने आत्मिक वरदान का उपयोग विश्वासी भाई बहनों के लिए करते हैं तब तो भाईचारे का प्रेम और अधिक होना चाहिए। और जब हमारे मन में प्रेम आता है तब क्या होता है, ये पहला कुरिन्थियों 13वें अध्याय में हम देखते हैं। बुरा नहीं मानता है, दूसरे लोग हो सकता है बुरी तरह से, बहुत बुरी तरह से हमारी टीका टिप्पणी नुक्ताचीनी क्रिटिसिज्म करे, लेकिन प्रभु का वचन कहता है आत्मिक वरदानों के उपयोग के मामले में भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे पर दया रखो। दया शब्द का उपयोग क्यों किया है? मैं अपने आत्मिक वरदान का उपयोग करूं तो उसके लिए उसमें दया की क्या बात है? है। प्रभु का वचन याद दिलाता है कि आत्मिक वरदान हम एक दूसरे की सेवा के लिए करते हैं। ये पहला पत्रस 4:10 है जो इस बात को याद दिलाता है कि हम आत्मिक वरदानों का उपयोग एक दूसरे की सेवा के लिए करते हैं। तो जब हम भाईचारे का प्रेम रखते हैं तब प्रभु का वचन पहला कुरिन्थियों 13:4 में कहता है प्रेम धीरजवंत है, कृपालु है, दाह नहीं करता, अपनी बड़ाई नहीं करता, फूलता नहीं है। तो जब हम दूसरे के प्रति, भाइयों के प्रति, बहनों के प्रति प्रेम करेंगे तभी उनके लिए अपने आत्मिक वरदान का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। और जब हम उनके लिए अपने आत्मिक वरदान का उपयोग करते हैं तब उनके ऊपर दया रखना जरूरी क्यों है? इसकी पृष्ठभूमि मैं आपको याद दिला दूं। पृष्ठभूमि पहला पत्रस 4:10 में है। पहला पत्रस 4:10 कहता है जिस जिस को जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों की नाई एक दूसरे की सेवा में लगाए। एक दूसरे की सेवा में लगाना इसलिए जरूरी है कि आत्मिक जीवन एक टीम वर्क है। इस टीम में हर मेंबर की उपयोगिता है। आप लोग जानते हैं क्या, घरों में जो पंखा टंगा रहता है, अब तो पंखे हल्के हो गए हैं, हमारे बचपन में उषा के जो पंखे आते थे 10-10 किलो के होते थे, 10 किलो या उससे ज्यादा के होते थे, और वो यदि ऊपर से गिर जाए तो
तो बड़े आराम से नीचे बैठा हुआ व्यक्ति स्वर्ग से धार जाता था। वो जो पंखा है वो एक पाइप से के सहारे टंगा हुआ है। वो पाइप कभी भी खुलकर गिर सकता है, उसमें चूड़ियां होती हैं। चूड़ियों की विशेषता या चूड़ियों की एक कमजोरी है, थ्रेड पाइप में जो थ्रेड होता है उसकी एक कमजोरी है कि जब पंखा घूमता है तो थ्रेड के ऊपर दबाव आता है और कई बार थ्रेड खुल जाता है। पंखे जब बनाए गए थे शुरू शुरू में तो कई जगह पंखे टपक गए थे, अब नहीं टपकता है। एक छोटे से पिन के कारण जो लोग आज टेक्निकल यहां टेक्निकली ट्रेंड हैं, जो प्रभु का संदेश सुन रहे हैं, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, मैं क्वार्टर पिन के बारे में बोल रहा हूं। पंखे टपकने लगे तो एक टेक्नीशियन ने एक पिन, जस्ट एक पिन लगाकर उस समस्या को हल कर दिया। अभी भी पंखा थ्रेड के सहारे टंगा हुआ है लेकिन खुलकर गिर ना जाए उसके लिए एक छोटा सा सस्ता पिन। यदि पंखा 2500 का है तो वो पिन 5 रुपए से ज्यादा का नहीं होगा। उसको थामे हुए जिंदगी भर, पंखे के जीवन भर। मंडली में भी हर व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए लिखा हुआ है नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों की नाई एक दूसरे की सेवा में लगाएं। ये एक मुश्किल काम है। एक मंडली में जितने लोग एक परिवार के रूप में रहते हैं उनके बीच में आपस में खींचातानी, झगड़ा, ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन सब होता है और इस कारण कई बार हमारी इच्छा होती है कि अपने आत्मिक वरदान का प्रयोग फलाने व्यक्ति के लिए मत करो। प्रभु का वचन याद दिलाता है कि परस्पर की भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे पर दया रखो। आज आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से ये प्रश्न पूछना चाहता हूं, मसीही मंडलियों में आपस में काफी प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन देखा जाता है। किसी एक विश्वासी के घर में कुछ गड़बड़ हो जाए तो 50 लोग हैं जो उसके बारे में दूसरों को बताने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन एक व्यक्ति के जीवन में कोई दर्द हो तो कई बार प्रार्थना से हम हिचकते हैं। प्रभु का वचन याद दिलाता है कि हमारे अंदर कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए। हमको प्रभु ने जो पूंजी दी है आत्मिक वरदान, जब हम उसका उपयोग करते हैं तब दया के साथ अपने भाइयों बहनों के प्रति, दया के साथ, कंपैशन के साथ साथ भाईचारे का प्रेम दिखाएं और इस तरह से अपने आत्मिक वरदान का उपयोग करें। परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। परस्पर आदर करना बहुत मुश्किल काम है। स्टैटिस्टिक्स ये बताता है कि भारतीय समाज में परस्पर आदर करने में मसीही समाज सबसे पीछे है, एक दूसरे के आदर करने में। और एक समस्या ये भी है कि हिंदुस्तान के आजाद होने से पहले तमाम सारे पश्चिम से आए हुए विदेशियों ने हम लोगों को मेंटर किया। विदेशियों का कल्चर यह है कि पत्नी भी अपने पति को आदर देने के बदले पति को नाम से पुकारती है। उन लोगों ने जब हमको मेंटर किया तो हमारे अंदर आदर की जो बची कुछ ही भावना थी वो भी उन लोगों ने निचोड़ के बाहर फेंक दिया। हिंदी बाइबल में हम प्रभु यीशु के बारे में जब अनुवाद देखते हैं, यीशु बोला, यीशु चला, यीशु कहने लगा,
इस तरह के प्रयोग हम देखते हैं। आज से कई सालों पहले जब मध्य प्रदेश में मैं काम करता था यूनिवर्सिटी में, दोपहर को 1 बजे के करीब हम जितने प्रोफेसर और जितने साइंटिफिक ऑफिसर वगैरह थे सब एक साथ बैठकर खाते थे, साथ में चाय भी पीते थे। एक दिन मेरे साथ एक साथी एकदम से बोले कि अरे यार फिलिप सर, तुम ईसाई लोग अपने भगवान को आदर देना नहीं जानते। मैं एकदम से चौंक गया। मैंने पूछा क्या बात करते हैं सर, हम तो घुटने टेक कर प्रार्थना करते हैं। उन्होंने कहा अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी वो जो बाइबल है उसमें एक हिस्सा है नया नियम, मत्ती मरकुस नाम की कुछ पुस्तकें हैं, उसमें प्रभु यीशु के बारे में जब वो बोलते हैं तब क्या क्या लिखा है। मैंने कहा कि यीशु बोलने लगा, यीशु चलने लगा, ऐसा अनुवाद है। उन्होंने कहा कि देखो, हम हिंदुओं में से कभी कोई व्यक्ति अपने भगवानों को इस तरह से संबोधित करते हुए आपने देखा है क्या? मैंने कहा नहीं, हमने कभी नहीं देखा। हिंदू लोग हमेशा अपने देवी देवताओं का नाम आदर के साथ लेते हैं। ऑफ कोर्स इस विषय के बारे में मैं नौकरी के नहीं, मैं जब 8वीं में पढ़ता था तब से मैं बोलता आया हूं कि हिंदी बाइबल का अनुवाद गलत हुआ है, यीशु बोलने लगा नहीं, यीशु ने कहा या यीशु बोलने लगे, अनुवाद होना चाहिए। लेकिन मैं जो पृष्ठभूमि आपको दे रहा था वो ये है, अंग्रेजों के इन्फ्लुएंस में बाइबल का जो अनुवाद हुआ, हम प्रभु को आदर देना भूल गए, आपस में आदर देना तो और भी कम हो गया। एक दूसरे को संबोधित करने के लिए आदर सूचक शब्द सबसे कम मसीही जगत में उपयोग में आते हैं। प्रभु का वचन कहता है परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। इस आदर के कारण ही हम और स्नेह के कारण ही हम एक दूसरे को ब्रदर कहके संबोधित करते हैं, सिस्टर कहके संबोधित करते हैं। याद रखें कहीं ये आदर की भावना कम ना हो जाए। परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरो, उन्माद मतलब अति उत्साह में भरो, प्रभु की सेवा करते रहो। इस तरह से काफी आगे बहुत सारी बातें ये रोमियो की पत्री 9वें अध्याय में हम देखते हैं। लेकिन मैं अब आपको जरा 9वें अध्याय के 3रे पद में ले जाता हूं, ले जाना चाहता हूं। रोमियो की पत्री 9वें अध्याय के 3रे पद में हम देखते हैं, ये हमारा कंक्लूशन है। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे। नंबर 1, यदि प्रभु ने हमको जो पूंजी दी है यदि हम उसका सही उपयोग करना चाहते हैं तो नंबर 1 हम अपने आप को जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर ना समझे, घमंडी ना हो। घमंड आत्मिक जीवन में आ जाता है, जाने अनजाने आ जाता है, उससे हम बचें। दूसरी बात, पर जैसा परमेश्वर ने हरेक को परिमाण के अनुसार, उसका करेक्ट ट्रांसलेशन है हरेक को मात्रा के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब समझने के लिए प्रभु यीशु ने जो उदाहरण दिए थे उनकी तरफ जाना पड़ेगा। एक उदाहरण में 10 तासों को बुलाकर हरेक को एक एक सिक्का दिया गया था। अन्य एक उदाहरण में पहले को 1 सिक्का दिया, दूसरे को 2 दिया, तीसरे को 5 दिया। वहां लिखा हुआ है कि हर दास को उसकी योग्यता के अनुसार दिया। प्रभु हमको जो आत्मिक वरदान देते हैं वो हम उसका किस तरह से उपयोग करेंगे इसके ऊपर भी डिपेंड करता है, हमारी योग्यता पर भी डिपेंड करता है। इसलिए हम में से हर व्यक्ति के लिए ये जरूरी है कि हम प्रतिदिन
प्रभु के लिए और अधिक योग्य बनने की कोशिश करें। आप पूछेंगे कि ब्रदर, यदि आत्मिक वरदान सिर्फ उद्धार के समय दिया जाता है तो उसके बाद अपने आप को योग्य बनाने की कोशिश क्यों करें? इसलिए करें क्योंकि प्रभु का वचन ये याद दिलाता है कि जिसके पास है उसको और दिया जाएगा। तो यदि जब हमने उद्धार पाया उस समय हम बहुत अधिक के लायक नहीं थे, और यदि प्रभु ने हमको एक ही वरदान दिया हो क्योंकि हमारी योग्यता सिर्फ उतनी थी, तो एक पन्ना रुकें, नियमित रूप से उस आत्मिक वरदान का उपयोग करें जिससे कि हमारी योग्यता बढ़ती जाए, जिससे कि प्रभु कहे हाँ मैंने उसको एक दिया था, अब तो उसके पास अनेक हो गए हैं, मैं अब उसको और दूंगा। प्रभु का वचन बार बार ये बात याद दिलाता है कि जिसके पास पूंजी है यदि वो उसका सही उपयोग करता है तो प्रभु उसको जो पूंजी दी गई है उसको कई गुना बढ़ा देंगे। हमने दूसरा कुरिन्थियों से जो पद देखा था उसमें हमने देखा कि प्रभु तुमको हर चीज बहुतायत से दे सकता है जिससे कि हर बात के लिए तुम्हारे पास पर्याप्त हो। तो इस बात को मैं फिर से याद दिला दूं, प्रभु ने हमको हर एक को अपने विश्वास के मात्रा के अनुसार दिया है, लेकिन वो एंड नहीं है, वो अंत नहीं है, वो सारा आरंभ है। और जैसे 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 हम विश्वास में बढ़ते जाएंगे, प्रभु ने हमको जो पूंजी दी है उसका उपयोग करते जाएंगे, वैसे वैसे प्रभु और अधिक हमको देते चले जाएंगे। आज क्लोजिंग में मैंने जो कुछ बताया है उसका सारांश फिर से याद दिला दूं, और सारांश ये है, हम में से हर व्यक्ति ने जब प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया तब प्रभु ने आत्मिक पूंजी के रूप में हमको कम से कम 40 बातें दी। इन 40 में कुछ स्थाई हैं, ना तो हम बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। उद्धार इसका उदाहरण है। नंबर दो, प्रभु ने ऐसी भी बहुत सारी चीजें हमको दी हैं जिनका उपयोग हम करके जिसको बढ़ा सकते हैं, लापरवाही के द्वारा जिनको घटा सकते हैं। इसमें से एक के बारे में आज मैंने आपको बताया, वो है आत्मिक वरदान। प्रभु ने आपको क्या आत्मिक वरदान दिया है, इसको आपने कभी समझने की कोशिश की है क्या? जब हम प्रभु ने हमको जो जो अवसर दिए हैं उन अवसरों का सही उपयोग करेंगे तब हमारा आत्मिक वरदान क्या है ये हमको स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए आपके चर्च में यदि आपको झाड़ू लगाने की जिम्मेदारी दी है तो याद रखें, मुंबई इलाके में आपका चर्च सबसे साफ बिना डस्ट का होना चाहिए। हम में से हर व्यक्ति अपने आत्मिक वरदान का सही उपयोग करे, उसके लिए प्रभु हमारी मदद करे। मेरा टेलीफोन नंबर कई लोगों ने पूछा था, मेरा टेलीफोन नंबर जो लोग चाहते हैं वो लोग नोट कर लें। यदि आप आत्मिक बातों के बारे में कोई प्रश्न वगैरह पूछना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 999-519-8690। मैं नंबर फिर से बताना चाहता हूं, 999-519-8690। प्रिय दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि शास्त्री जॉनसन सी फिलिप के आज के इस बाइबल प्रवचन द्वारा आपको बहुत अधिक अनुग्रह मिला होगा। शास्त्री जी बाइबल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवं सहज भाषा में प्रवचन के लिए जगत प्रसिद्ध हैं। उनका कोई भी प्रवचन आपसे छूट न जाए उसके लिए इस पाठ्यमाला को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है, इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिखता है, पहले उसे क्लिक कर दें। उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है उसे क्लिक कर दें। बस हो गया काम। अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी। इतना ही नहीं, हर नया सब्सक्राइबर हमको बहुत अधिक प्रोत्साहन देता है। जय मसीह की।